महोदय छोटे भाई बड़े भाई छोटे हमारे रेगे पेट्रोल बाग एरिया से विधायक भाई विशेष सभी रवि विशेष जी सभी उपस्थित मेरे भाई गणमान्य व्यक्ति महिलाएं सभी को मेरा नमस्कार और सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं केवल एक ही पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, केवल एक जो पॉइंट मैं पिछले दो ढाई साल से करीब करीब दो साल से लड़ रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के साथ और वो काम हो नहीं पा रहे। और वो कार्य ये है कि जब पहले में जो मिनिस्टर थे हमारे उनके टाइम भी मैंने एप्लीकेशन दी थी और उसके बाद में उस टाइम के सेक्रेटरी जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनसे भी बात की थी, उसके पश्चात वो एप्लीकेशन मैंने राजेंद्र साहब को भी दी एमएलए बनने से मंत्री बनने से पहले और मंत्री बनने के बाद। आज वही मेरी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट का पीजीटीएफ या पीजीटीएमएस सिस्टम है पब्लिक ग्रीवेंस रिट्रेशन सिस्टम है उस सिस्टम में मेरी एप्लीकेशन अफसरों के बीच में यू ऊपर से लेकर नीचे तक दौड़ रही है और कम से कम 38 आईएएस ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर डेवलपमेंट कमिश्नर और डिप्टी सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी तरीके कितने लोगों के बीच में वो फाइल घूम रही है आ रही है जा रही है लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो पा रहा। और वो समस्या क्या है, बड़ा स्पष्ट समस्या है कि हमारे दिल्ली के अंदर 70 असेंबली के अंदर हरिजन कॉलोनियां हैं। सुन लो भाई सुन लो, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, मैं भी उसी पे ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो आपके भाई। हरिजन कॉलोनियां बनाई हुई है 70 असेंबली में करीब करीब 100 हरिजन कॉलोनियां होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा क्लियर कट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर का ऑर्डर है कि ये जो वार्ड हरिजन है इसको डेरोगेटरी माना गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सर्टिफिकेट इश्यू होने में भी कहीं पर भी इसका शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद हमारी 70 असेंबलियों के अंदर आज भी करीब करीब 100 कॉलोनियां ऐसी है जिनका नाम हरिजन बस्ती या हरिजन कॉलोनी के नाम से ही जाने जाते हैं। मैंने उनसे ये कह रहा कि ये शब्द आप हटाइए, इस 70 असेंबली में जहां जहां भी हमारी हरिजन बस्तियां हैं उन बस्तियों पे हमारे जो हमारे जो बड़े बड़े विद्वान और हमारे बड़े गुरु फूले साहब हैं सौंच महाराज हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं काशीराम जी के नाम पर ये कॉलोनियां रखे या और भी किसी व्यक्ति के नाम पर रखना चाहते हैं तो बेशक रखिए लेकिन ये शब्द हरिजन शब्द हटाना पड़ेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हरिजन शब्द वहां से हट गया तो वो वहां रहने वाले गरीब जितने भी लोग हैं उन सबके मकानों की मार्केट वैल्यू भर पड़ने वाले। इनको मालूम है कि जिस दिन हरिजन बस्ती में कोई रहना नहीं चाहेगा, नाम सुन के हरिजन बस्ती कोई भी अच्छा छोड़ जाति का उच्च जाति का वहां जाके रहना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर उसी का नाम अगर मान लीजिए उसी का नाम बसंत कुंज होगा या उसी का नाम और कोई अच्छा नाम करेगा तो वो जाके रिहा दे सकता और उनकी शक्ति की उम्र बढ़ जाएगी। अशोक जी एक सेकंड एक मिनट आपसे निवेदन है ये बात आप पहले के से तो हमें इसकी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आपको ये तो मेरी 15 दिन के अंदर रहेगा भाई एक सेकंड आगे की ओर से बताएंगे उनसे भी मेरा निवेदन जैसे अभी हमारे अशोक जी ने कहा है कि हरिजन सब है तो इसको अगर इतना कह दिया जाए कि भाई मंत्री जी आप इस पे प्रयास करिए हरिजन सब पे पाबंदी लगे आप इसे प्लीज कहना चाह रहा हूँ इस पर 5-7 मिनट हम और बातें ना करके क्योंकि फिर सुझाव सब नहीं दे पाएंगे। हरिजन शब्द ही नहीं मैं आपकी जानकारी में दे दूँ हम दलित शब्द को या दिल्ली में हमने प्रस्ताव किया दलित शब्द को ही खत्म कराया SC ST जब संविधान में प्रावधान है SC ST तो हरिजन के बात होगी हरिजन तो बोलने ही नहीं देंगे हम दलित शब्द को भी उच्चारण खत्म कराएंगे। मेरा यही सुझाव है और अनुरोध है हमारे मंत्री महोदय से कि इस काम में इंटरवल करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद।